नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आपका स्वागत है डीएनयू टाइम्स में। चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। इंदौर में सराफा थाने में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के विरोध में डीआईजी मिलने पहुंचे, विधायक और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल से मिलने पहुंचे। विधायक की गिरफ्तारी के बाद इंदौर में राजनीति लगातार गरमा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर उस समय नया मोड़ आ गया जब विधायकों व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता डीआईजी कार्यालय पहुंचे और अधिकारी से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए और कहा कि भाजपा नेताओं के कहने पर एफआईआर की गई है। उन्होंने अधिकारियों पर हुई कार्यवाही का जिक्र किया और कहा कि जनप्रतिनिधि से बात कर रहे थे ये अधिकारी। वहीं इंदौर शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि 2 महीने के बाद हमारी सरकार आएगी, उसके बाद देख लेंगे। सब अधिकारियों को उन्होंने पूछा कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के ऊपर क्यों नहीं कार्यवाही की गई। वह बोले कि सुदर्शन गुप्ता के कार्यक्रम से है शहर में कोरोना फैलने का डर बना हुआ है। अभी शहर में पिछले 2-3 दिनों में कई जगह 144 के लिए 2-3 घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं में अलग अलग एफआईआर हुए, उसमें बिना किसी उसमें सभी पार्टियों के, सभी दलों के और अलग अलग जगह पे जहां भी इस तरह का उल्लंघन हुआ है वहां पर इसमें इस तरह की कार्रवाई की गई है। उस संबंध में कुछ लोगों ने अपनी जनप्रतिनिधि से अपनी बात रखी थी और उनके तथ्यों को देखा गया। बाकी पूरे मामले की जो जाँच है उसमें एसपी कर रहे हैं। और बाकी ये जरूरी है कि हम इस समय में, चूँकि 144 काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में कि वर्तमान संदर्भ में संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से इसे इंदौर में लागू किया गया, जरूरी है कि हम सभी लोग इसका सम्यक ढंग से पालन करें और उस संदर्भ में उल्लंघन होने पर जो कार्रवाइयाँ की गई थी उस बारे में सभी लोगों तक बात करें। कल भी जो प्रकरण हुआ उनका छात्रों से रक्षा की दबाव उस समय पूर्व में, जिसमें जानते हैं कि अगर 5 से ज़्यादा है कोई धरना प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है और उसके आधार पर पूर्व में कार्रवाई की गई थी। कल के मामले में इन्होंने, इनका कहना था कि हम 4 लोग थे और कुछ ज़्यादा लोगों पर हुआ, तो उस मामले की एक बार तथ्यों की जांच उसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। कल हम तीनों में विधायक विशाल पटेल जी, विधायक संजय शुक्ला जी राजवाड़ा पे रहता, सुबह 10:30 बजे मैं अहिल्या माता की मूर्ति का दर्शन करके कार में बैठकर हम सराफा थाने पहुँचे। हमसे जो परसों 188 का जो केस लगा था उसके हम जमानत देने के लिए गए। हम वहाँ अंदर चले गए, बैरिकेड लगे हुए थे, हम तीनों ने वहाँ पर जमानत दी। पीछे हमारे कुछ 8-10 लोग साथी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में, दबाव में, सरकार के दबाव में आने के कारण उनमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। लगभग हमारे कांग्रेस के 9 साथियों पर, 11 साथियों का मुकदमा दर्ज किया। उसके लिए हम अभी डीआईजी साहब से चर्चा करने आया था और उन्होंने मांग करी है कृपया ये झूठा प्रकरण जो आपने कल लगाया हमारे कार्यकर्ताओं पर से तत्काल रूप से उसको हटाया जाए, खात्मा किया जाए। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये कार्रवाई आगे नहीं होगी, यही समाप्त प्रकरण को हम खात्मा करने का उन्होंने जाँच के आदेश उस पर दिए थे। ये देखा जा रहा है कई सोशल कोरोना कोई पार्टी या कोई ऐसा मत नहीं है कि ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, लेकिन आए दिन सोशल डिस्टेंस दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार कर रहे हैं। भाई हमने तो कोई सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ नहीं उड़ाई। सबसे पहले हमारा कलेक्टर के सामने प्रदर्शन था, हमने ईमानदारी से उनसे एक दिन पहले हमने परमिशन मांगी जिला प्रशासन से कि हमें अनुमति दी जाए। 15 लोगों की तो हमने 25 लोगों की मांगी, आप 15 की देते, हमें अनुमति नहीं दी जाती है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आदेश था, निर्देश था मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि सभी जिले सभी शहरों में ये प्रदर्शन किया जाए। बाकी 52 जिलों में सब जगह परमिशन मिलती है, सब जगह कलेक्टर परमिशन देता है, तो इंदौर में क्यों नहीं दी? हमें पर परमिशन देते हैं, हम हमारे 15 लोग जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, हमारे घर जाते। क्या अब तक इसमें सुदर्शन कल परसों जो हमारा था अहिल्या प्रतिमा, हम 4 लोग बैठे थे, मेरे विधायक साथी जी, हमारे विधायक संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, मैं, जीतू पटवारी विधायक जी, हम 4 बैठे थे और आप स्वयं खुद वहाँ पर स्पॉट पर मौजूद थे। 4 ने हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, फिर भी हम पे मुकदमा लगा दिया। हमने कोई धरना नहीं दिया, हम तो मौन बैठे हुए थे। प्रशासन हमसे खुद बात करना है, हमने तो नहीं बुलाया था प्रशासन को, आप प्रत्यक्ष इसके गवाह, आप सब खड़े सब थे उस दिन। मुकदमा लगा दिया जाता है, कल फिर हमारे कार्यकर्ता मुकदमा लगा दिया जाता है। ये क्या, और भारतीय जनता पार्टी के वो सुदर्शन गुप्ता 2,500-3,000 लोगों को इकट्ठा कर लेता है, उस पर कोई 24 घंटे तक कोई मुकदमा नहीं लगता है। जब कांग्रेस बोलती है, विपक्ष बोलता है, तो मुकदमा लगा, और उसमें भी धारा नहीं बढ़ाई जाती है।
269, 270, 271 धारा बढ़ानी चाहिए जी। कल से कोई करोना उसमें से निकलेगा, कोई पॉजिटिव निकलेगा, उसका जवाबदार कौन? संजय शुक्ला जी के विधानसभा क्षेत्र थी, संजय शुक्ला जी का भी यही कहना है कि वो पूरा कॉन्टेनमेंट इलाका था, वहाँ पे तार तोड़े जाते हैं, फेंसिंग तोड़ी जाती है और वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और यहाँ पे सब SDM पुलिस वहाँ मन के तमाशा देखती रहती है। आगे क्या है रणनीति रही आगे? हम सब वरिष्ठ लोग बैठ के चर्चा करेंगे, आगे हम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई अधिकारियों पर जो की गई है वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, अधिकारियों की इसमें कोई गलती नहीं है। अधिकारी हमसे चर्चा करने आए थे, चूँकि वो खड़े थे और हम नीचे बैठे हुए थे, उनने मास्क पहन रखा था, हमने मास्क पहन रखा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए वो नीचे बैठकर हमसे चर्चा करने आए थे। और चर्चा क्यों नहीं करें? आज संजय शुक्ला जी, जीतू पटवारी जी, विशाल पटेल जी चुने जनप्रतिनिधि है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप उनसे चर्चा करते, चर्चा तो करने का अधिकार है। क्या प्रशासन आते से लट मारना चालू कर देगी विधायकों को? कहा कि न्याय जबरदस्ती उनका केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में, गुंडागिरी के प्रेशर में, कल जो एफआईआर में आने कारण उनका स्थानांतरण कर दिया गया। कल जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किसके दबाव में थी, और जो अधिकारी थे क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लेगी कांग्रेस? बिल्कुल लेंगे, समय समय की बात है, 2 महीने बाद सरकार हमारी वापस बन रही है, किस किस अधिकारी ने किन किन ने हम सब देख रहे हैं, हमको भी आता हिसाब करना, हम हिसाब पूरा चुकता करेंगे। आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए TNE News Time के साथ।